सो व्हाट इज़ अप वांटेड आर्मी, वेलकम बैक टू अनदर पबजी मोबाइल वीडियो। सो गाइज, आज के वीडियो में हम गलती से मेरे पिंग हाई होने की वजह से हम उतर चुके हैं स्कूल के पार्ट यहाँ पास वाले कंपाउंड में। तो हाँ, सबसे पहले तो हम यहाँ से करेंगे टेलीपोर्ट, ठीक है। पोचिंकी जाना था लेकिन यहाँ पर आ गए, और आजकल बहुत बुरा हाल हो रहा है मेरा पिंग की वजह से। आप लोगों को क्या बताऊँ मैं, अगर देखना ही है तो जाकर एक काम करना, जाकर सीधा मेरा वो डुओ वाले में देख लेना स्टैट्स मेरे। एक मैच नहीं जीता मैं अभी तक। और गाइस, यहाँ पर हम आ चुके हैं पोचिंकी में, और पोचिंकी में आने के बाद क्या था कि यहाँ पर स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड, आई मीन 3v4 का मूवमेंट था, और एक्चुअली वो लोग भी आपस में फाइट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मेरा 200 IQ नेड एक्चुअली तुक्का था ये, तो एक गलती से ये नेड लग गया। और मैं हूँ तो वैसे नूब ही है, देखो आपने, मैं मार नहीं पाया, वो बंदा सामने खड़ा था ना। तो अब उसके बाद क्या था कि यहाँ पर मैंने इनको पहले मार्क किया कि एनिमीज हेड करके यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि मैं इनको पोजीशन बता रहा था कि ये पोजीशन के सारे बंदे मेरे सामने ही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग की पोजीशन जो होती है वो दिलवा रहा था, क्योंकि अगर सब अपनी अपनी पोजीशन पर होंगे तो बहुत सही रहेगा और अच्छे से हम इनका स्क्वाड वाइप कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर किल्स मुझे यहाँ 2 मिल जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिले क्योंकि इनको नॉक करके छोड़ दिया था, और रश करने के लिए हम बहुत लेट हो चुके थे क्योंकि ये दोनों भी पीछे ही थे, और अगर साथ होते हम रश कर देते, लेकिन कोई बात नहीं। इसके बाद क्या था कि हमारा नंबर 4 मतलब चिंटू अभी आगे आएगा, इसको मैं बुलाऊंगा। और गाइज, एक और बात, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है क्योंकि पिछले वीडियो थोड़ा लंबा था, तो आप लोग ने काफ़ी ज़्यादा ही बेकार रिस्पॉन्स दिया उस पर, मतलब उस पर व्यूज़ खास कुछ आए नहीं। तो कोई बात नहीं, अब से हम थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, 7 मिनट 6 मिनट 5 मिनट तक का वीडियो रखेंगे। मैं भी जानता हूँ, मैं भी देखता हूँ वीडियोस, लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए तो मैं 10-12 मिनट 17 मिनट की वीडियोस देख लेता हूँ। तो अब उसके बाद क्या है कि ये बंदा बार बार पीक करके परेशान कर रहा है, तो मैं इसको पहले प्री फायर दूँगा, ये गंदा सा प्री फायर, मुझे पता है शॉट लगेंगे नहीं उसके, लेकिन मैं प्री फायर दे रहा हूँ उसको दबाने के लिए कि भाई मैं बैठा हूँ चुपचाप पीछे रहे, है ना। सो अब यहाँ से जेंटो ने भी इस पर फायरिंग थोड़ी बहुत दी, लेकिन अभी पीछे ड्रॉप हुआ, तो अब ड्रॉप भी लूटना है हमें, हमें इनको मारना भी है, सब कुछ करना, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 49 बंदे अलाइव हैं, मेरे कुछ ज़्यादा खास स्किल है नहीं इसमें, बस एक ये स्क्वाड क्लियर किया, एक और किया, बाकी थोड़ा सोलो वाला मूवमेंट ही है। तो कोई ना, आप देखो आपको वैसे मज़ा आएगा। हमने सांप भी मारे हैं इसमें, 2 सांप मारे हैं लास्ट में आकर, तो पहले तो इसको थोड़ी टपली दी मैंने, जो नौ को बंदा ऊपर जा रहा था। तो अब यहाँ पे मैंने किया मूवमेंट फायर का इस्तेमाल। अब मूवमेंट फायर का क्या होता है, बंदे के आसपास आप घूमते हो, अगर अपना एंगल घुमा घुमा कर फायर करो तो उसका ये फायदा होता है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन अगर वो बंदा को उस बंदे को मूवमेंट फायर करना आता है ना, तो फिर आपके लिए दिक्कत भी होती है क्योंकि हर बार ये काम नहीं करता। तो यहाँ पे अब चिंटू को तो उनका एक बंदा खा गया, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि इस वाली बिल्डिंग में भी एक बंदा बैठा है। खैर कोई बात नहीं, अब चिंटू खा गया हमारा, तो चलेगा अपने को, हम साथ वाले घर में जाएंगे, इसको आराम से, जैसे इसके बंदे टपली दी थी, इसके भी सर पे थोड़ी टपली दे के इसको मार देंगे। तो पहले तो ये पीक लेगा, हाँ से लेगा पीक, ले भाई पीक ले, हाँ ये देखो, तो ये गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी अभी जा चुका है, और हम यहाँ से फिर से अपना टेलीपोर्ट हैक यूज़ नहीं करेंगे, हर बार हैकिंग करना अच्छी बात नहीं होती। तो यहाँ से अब हम गाड़ी निकालेंगे अपनी, पहले तो हम गाड़ी निकाल चुके हैं। अब अनंथा और मैं यहाँ से गाड़ी लेकर जा रहे थे, लेकिन पता नहीं किसके अंदर, और पहले हम पता नहीं क्यों जोन के बाहर जा रहे थे, हमने शायद ध्यान नहीं दिया होगा उस टाइम पे। और ये देखो जोन के बाहर कैंपिंग, मतलब क्या ये पुश किया उन्होंने हमारे पे कि कैंप किया, मुझे समझ नहीं आया क्योंकि कैंप करने का तो बहुत बेकार कैंपिंग है, क्योंकि यहाँ पर तो हमने गलती से आगे, हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ से मुड़ने ही वाले थे वैसे हम। तो कोई बात नहीं, अब टपलियाँ सबको दी, इनको भी हम टपली देंगे, टपली का मतलब है मुझे खुद नहीं पता, पता नहीं कहाँ सुन लिया मैंने। हाँ तो अब यहाँ पर एक्चुअली मैं आज DP यूज़ कर रहा हूँ, मतलब पुराना गेम प्ले है, मैं इसमें DP यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अनंथा की थोड़ी कह रहा था वो कि उसको ओम यूज़ करनी है, तो मैं कहा कोई बात नहीं भाई, हमारे पास इस टाइम 2-2 ओम पड़ी थी, लेकिन दोनों बंदे ओम यूज़ करें तो सही नहीं लगता ना। तो यहाँ पर तो अब इनके लग चुके हैं भाई, जोन के बाहर हैं बंदे, है ना। तो मैं यहाँ पे बैरल का पता नहीं क्यों मैं गलती ऑलवेज करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि बैरल इज़ नॉट फॉर द मिडल और लॉन्ग रेंज। बैरल जो है ना क्लोज रेंज में जो वो चीज़ है ना, वो मिडल और लॉन्ग रेंज में तो है ही नहीं, जितनी भी कोशिश कर लो बैरल के मुकाबले ये कोई क्लोज रेंज में नहीं है, लेकिन लॉन्ग रेंज तो ये बैरल बहुत गंदा मरवाती है, ये आपने फिर से देख लिया, मैं भी पहले वाली कोई वीडियो थी उसमें भी आपने देखा था। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ तो हम रिवाइव हो जाएंगे, एक्चुअली यहाँ पर लक था हमारा, और बस जैसे ही मैं मुझे यहाँ पर था कि फटाफट रिवाइव कर भाई, यहाँ से जंप करके सीधा अंदर, देख रहे हो जंप करके सीधा अंदर, यहाँ लेट के आराम से पहले हीलिंग मारेंगे अपनी। तो अभी तो यहाँ पर हम हीलिंग करेंगे, हमारे आस पास ही चारों बंदे पूरी तरह घूम रहे हैं, चार पता नहीं शायद तीन, हाँ तीन बंदे रह गए हैं, ये घूम रहे हैं, ये तो जोन के बाहर ये बंदा अपने ही स्ट्राइक में आ रहा था, तो इसको तो पहले नॉक कर दिया हमने। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे अनंथा भाई को भी कोई ले जाएगा उठा के, यहाँ से उठा के ले जाना मतलब देख ही लो आप, तो मैं इसको बचा भी नहीं पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर वो गलती से पता नहीं बाहर चला गया था, पता नहीं क्या था, मैं देख ही नहीं पाया वहाँ सीन क्या था, मैं ऐसे निकलूँगा तो ये बंदा मुझे मारेगा। और यहाँ पर देखो इनको टपलियाँ दे रहा हूँ मैं छोटी छोटी, तो अब जिसने अनंथा हमारा पहले, तो उस पर बड़ा गुस्सा आया मेरे को, इसको तो पहले मैंने पेला, ठीक है अच्छे से पेला। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि ये देखो ये अगेन मूवमेंट फायर, मैं उसके सामने से आया और निकला,
मतलब मैं वहाँ पे जरा होल्ड नहीं किया। चलो उसके बाद हम यहाँ पर आए थे गाड़ी लेकर, और ये बंदा हमें सांप दिख गया, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा सांप, तो इसको भी प्यार से मार दिया। वैसे जहरीला सांप था भाई, ये बात है, बहुत जहरीला सांप था ये, मतलब देखा कैसे खाने को आ रहा था। तो अब यहाँ से मेरे को जाना है जोन में, और मेरी वेस्ट की लेनी देनी हो रही है यहाँ पर। ये हम अपना स्पीड हैक यूज़ कर रहे हैं और बहुत तेज़ भाग रहे हैं यहाँ पर, जोन में जाना है। और यहाँ पे मिनी 14 हमें पड़ती हुई, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरी जो 10-12% की वेस्ट पड़ी थी वो भी जा चुकी है, जो मेरी 10-12% की वेस्ट थी वो भी यहाँ जा चुकी है। और यहाँ पर मैं एक लेवल 3 हेलमेट लेके, यहाँ पर मुझे पहले स्मोक करना पड़ेगा। वो एक्चुअली स्पीड हैक नहीं है, एक्चुअली मैंने स्पीड कर रखी है, क्योंकि हमें याद है कि 10 मिनट से ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं करना। तो अब उसके बाद यहाँ पर क्या सीन है कि अब भाग के पहले जोन में जाना है ना। यहाँ पर अब मेरा लक कह लो कि पता नहीं कुछ भी कह लो, लेकिन मैं बच गया, जिगजैग भाग के उल्टा सीधा होके बस बच गया है ना। तो अब इसका मैंने डिसाइड किया मैं इस बंदे को मारूंगा, लेकिन क्या सीन हुआ कि जैसे ही मैं उठ के यहाँ पर जाता हूँ, और साइड से आती है एक M416 की आवाज़। अभी आएगी ये देखो, M416 चली, उस बंदे ने किसी को मारा। और यहाँ पर हमने फिर से किया 200 IQ नेड, क्योंकि यहाँ पर ये बंदा पहले ही नेड में जा चुका है। एक्चुअली ये भी तुक्का था है ना। तो अब यहाँ पर अब रह गए हैं दो बंदे, और उन दोनों को ही मैं मारूंगा, आप टेंशन ना लो, आराम से देखो वीडियो भी। तो इस मिनी 14 मिलर ने बड़ा परेशान किया, लेकिन इसको डीपी का प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा स्प्रे दिया, और ये तो बेचारा अकेला ही निकला। अब दिक्कत यह है कि आखिरी बंदा सांप है, इसने मेरे को डाइवर्ट करने के लिए वहाँ पर एक स्मोक किया, क्योंकि ये उस टाइम में क्राउन में था जब का ये मैच है, ये पिछले गेम मतलब पिछले सीजन का है। तो ये देखो भाई, ये सांप तो बड़ा ही तेज निकला है ना, मतलब काफ़ी दिमाग है सांप में। तो अब यहाँ पर है कि मुझे उसकी लोकेशन लगभग पता चल चुकी है, लेकिन मैं पहले चेक करूँगा कि ये जहरीला तो नहीं है। ये देखो जहरीला तो है, क्योंकि इसने देखते ही फायर किया मेरे ऊपर। तो अब हम इसको जलाएंगे, क्योंकि और मैंने इतना ओपन था कि इसलिए मोली था, क्योंकि मुझे पता था मूवमेंट कर रहा है तो नहीं मार पाएगा, क्योंकि प्रोन करते हुए मूवमेंट करते हुए नहीं मार सकते। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और सूरज भाई की देख कर जाना, यहाँ पर मैंने सूरज की भी आपको एक क्लिप दिया, ये देखो। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love